तो हेलो गाइज, अगर आपके भी फोटोज वीडियोस डिलीट हो गए हैं तो कैसे इस एप्लीकेशन की मदद से हम रिकवर करेंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है फाइल माइनर फोटो एंड रिकवरी। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना यह है कि इस एप्लीकेशन की मदद से हम आसानी से अपने फोटोज और वीडियोस को रिकवर कर सकते हैं जो कि डिलीट हुए हैं। अब क्या रियल है और क्या फेक है, मैं आपको सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपके भी फोटो और वीडियोस डिलीट हो गए हैं और आप भी इसे पाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी कुछ फायदा हो जाए। बात करें इस एप्लीकेशन के रीडिंग पॉइंट की, जो 3.3 है और इसको 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने किया है डाउनलोड। तो चलिए करते हैं इस एप्लीकेशन को ओपन और आपको सारी जानकारी बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सिंपल, जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा ताकि एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छे से स्टार्ट हो जाए। तो हम यहाँ थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन की सबसे गंदी चीज़ ये दोस्तों कि इस एप्लीकेशन में आपको एडवर्टाइजिंग ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाना है। 3 से 4 चीज़ें आपसे पूछेगा, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपसे परमिशन वगैरह मांगेगा, आपको परमिशन के लिए अलाव करना है। आप जैसी परमिशन के लिए अलाव करते हो तो यहाँ पे आपसे मांगते हैं अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल, यानी आपके मीडिया वगैरह का भी ये एक्सेस मांग लेता है। अब चलते दोस्तों आगे की तरफ। तो यहाँ मैंने कर दिया है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आ चुके हैं अपनी फाइल के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पे कितना रिकवरेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यह 1272 चीज़ें रिकवर हो रही है, यानी रिकवर कर सकते हैं हम इसको। तब ये चीज़ें आई कहाँ से दोस्तों, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले चीज़ें बताऊँ दोस्तों कि क्या होता है जब हम ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हमको एक रिकवर फाइल बन जाती है। जैसे कि अभी मेरे मोबाइल में चीज़ें कितनी है दोस्तों, 1272। एकदम ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं होने वाला। मेरे मोबाइल में सारी सारी चीज़ें हैं 1272। अब अगर मैं अंदर की तरफ से एक भी फोटो डिलीट करता हूँ तो ये जो फोटो डिलीट हो रहा है दोस्तों, ये जो फोटो डिलीट हो रहा है ना दोस्तों, वो सारी की सारी इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगी। यानी कि जो पहले डिलीट हो चुके हैं फोटो, वो फोटो यहाँ नहीं आएगी दोस्तों, वापस नहीं आने वाले। लेकिन देखो, मैंने अगर ये फोटो को डिलीट कर दिया, या फिर ये वीडियो को डिलीट कर दिया, या फिर ये फोटो को डिलीट कर दिया मैं सामने सिंपली, तो ये रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पर रिकवर कैसे होगा दोस्तों, अगर मैं अब डिलीट करूँगा तो ये रिकवर होगा और वो आ जाएगा रिसाइकल के अंदर। यानी कि जो हमारे फोटो डिलीट होते हैं ना दोस्तों, ये देखो रिसाइकल के अंदर फोटो आ चुका है जो मैंने अभी आपके सामने क्लिक किया था, और वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर वो मेरे मोबाइल से रियल में डिलीट भी हो जाता है तो वो फोटो यहीं रहेगा दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से आप अपने फोटो को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक वॉल्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे पासवर्ड डाल के भी आप यहाँ पे फोटो को डाल सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पुराने फोटो डिलीट हुए मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं बनाए जो आपके पुराने से पुराने डिलीट हुए फोटो निकाल सके। तो बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हमेशा देते हैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी।